बाइनोकुलर सिंगल विजन बाइनोकुलर सिंगल विजन का मतलब है कि हमारी दोनों आंखों में दोनों फोबियाओं में अलग अलग इमेज बनती है लेकिन फिर भी हमें सिंगल इमेज पर सिव होती है इसे बाइनोकुलर सिंगल विजन कहा जाता है तो इमेज फॉर्म ऑन फोबिया बोध द आई सेपरेटली बट इंडिविजुअल परसिप्ट ए सिंगल इमेज इसे कहा जाता है बायनोकुलर सिंगल विज़न इसके अलग अलग ग्रेड हैं इसको टेस्ट किया जाता है साइनेप्टो फोर की मदद से आगे ग्रेड वन क्या होता है साइमल्टेनियसली मेकुलर परसेप्शन यदि दो डिसिमिलर इमेज साइमल्टेनियसली मेकुला पे यदि फोकस होती है तो वो दोनों इमेज आ, हमें क्या होगी डिसिमिलर ऑब्जेक्ट को देख पाना एक साथ पावर टू सी टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली इसे कहा जाता है साइमल्टेनियस साइमल्टेनियसुलर परसेप्शन जैसे एक साथ यदि फोबिया पे ये दोनों अलग अलग इमेज थी डिसिमिलर थी तो हमें ये एक इमेज मिली तो हम दोनों इमेज को एक साथ देख पा रहे हैं तो यही पावर ग्रेड वन है ग्रेड टू है फ्यूजन फ्यूजन का मतलब होता है पावर टू टू पावर टू सी सुपर इम्पोज टू इनकम्प्लीट इमेज बट सिमिलर इमेज टू फॉर्म वन कंप्लीट इमेज तो इसमें दोनों इमेज इनकम्प्लीट है दोनों इमेज इनकम्प्लीट है बट ये सिमिलर है तो बाद में जो फाइनल इमेज जो बनेगी जो सिंगल इमेज बनेगी वो कंप्लीट इमेज बनेगी तो इसकी पावर को ही फ्यूजन कहा जाता है पावर टू तो सुपर इम्पोज टू तो इनकम्प्लीट बट सिमिलर इमेज टू तो फॉर्म इस कंप्लीट सिंगल इमेज कॉल्ड फ्यूजन अब एक ग्रेड थ्री जिसमें आता है स्टीरोप्सिस स्टीरोप्सिस का सीधा सा मतलब है मतलब हम इमेज में डेप्थ परसेप्शन करते हैं मतलब कितनी डेप्थ है तो एबिलिटी टू परसीव थर्ड डायमेंशन डेप्थ परसेप्शन तो दोनों डेप्थ परसेप्शन करने की एबिलिटी को इसी रूप से कहा जाता है तो ये हमने कंप्लीट करा वाई नोकुलर सिंगल विजन थैंक यू